ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि आश्रमों के कर्तव्यों अकर्तव्यों को जानने वाला ध्यानस्थ होकर स्वयं को सभी विषयों से सिकोड़ लेने को योग रूप साधना विचारों द्वारा चित्त द्वारा स्वीकार किए गए विषयों के त्याग करने की साधना से अपने भीतर उठने वाले विकल्पों को देखता हुआ मैं स्थित हूँ। विभिन्न कर्मों में प्रवृत्ति क्योंकि कामनाओं को लेकर होती हैं और कामनाएं अज्ञान का परिणाम हैं, इसलिए जिस प्रकार विभिन्न यज्ञादि विहित कर्मों का किया जाना अज्ञान का फल है, बिल्कुल उसी प्रकार कर्मों के परित्याग मूल में भी अज्ञान ही स्थित होता है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं दोनों प्रकार की स्थितियों से परे रहता हुआ स्थित हूँ। ब्रह्म अचिंत्य है, लेकिन पुरुष उसमें चिंतन की भावना करता है और उसका चिंतन करता है, जबकि मैं उस अचिंत्य के चिंतन की भावना का त्याग कर त्यागने के परिणाम स्वरूप अपने स्वस्वरूप में स्थित हूँ। जिसने इस प्रकार कर लिया है वह कृतार्थ हो जाता है, जिसका इस प्रकार का स्वभाव हो जाता है वह कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ अर्थात उसके लिए फिर और कुछ करना शेष नहीं रह जाता। 13वां प्रकरण। कौपीन पहन लेने पर भी संपूर्णता की भावना दुर्बलता से प्राप्त होती है। कौपीन पहनने के बाद भी अभाव का भाव कुछ प्राप्ति की भावना बनी ही रहती है। छोड़ने और पकड़ने की भावना का परित्याग कर दिया है मैंने, इसी कारण मैं परम सुख में स्थित हूँ। कहीं शरीर का दुख है, कहीं वाणी खिन्न होती है और कहीं मन, इसलिए इन तीनों को छोड़कर मैं परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष में स्थित हो परम सुखी हूँ। जो भी किया जाता है या जो कुछ भी हो रहा है वह आत्मा द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार से संबंधित जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसी वास्तविकता को जानता हुआ मैं जो भी कार्य सामने आ जाता है उसे करता हुआ परम सुख में स्थित हूँ। करने और न करने के भावों में बंधे हुए योगी शरीर की आसक्तियों में उलझे हुए हैं, जबकि मैं मिलने और बिछड़ने के इन दोनों भावों का परित्याग कर परम सुख में स्थित हूँ, परम सुखी हूँ। स्थिरता हो, गति हो, शयन हो, बैठना हो, चलना हो, फिरना हो या फिर स्वप्न की स्थिति, ये व्यवहारिक कर्म क्रियाएं न मेरे लिए शुभ हैं न ही अशुभ, ऐसा स्वीकार कर मैं परम सुख में स्थित हूँ। सोते हुए की सुसुप्ति की अवस्था में सभी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों का लय हो जाता है, सभी निष्क्रिय हो जाती हैं, मुझे कोई हानि नहीं होने वाली और उन ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के कार्य से मेरी किसी भी प्रकार की सिद्धि भी नहीं होने वाली। लाभ और हानि दोनों से परे अर्थात इन दोनों को ही त्याग कर त्याग के परिणाम स्वरूप मैं सुख की परिस्थिति में स्थित हूँ। जन्म जन्मांतरों में मैंने बार बार देखा है कि सुखादि में किसी प्रकार का कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता, अर्थात वे चले कब आएं और कब जाएं इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और फिर क्षणिक भी हैं, इसलिए शुभ अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। 14वां प्रकरण। महाराज जनक बोले, जिसका चित्त सहज रूप से शून्य है, जिसमें विषय संबंधी वृत्तियां नहीं उठती और जो विषयों का सेवन करने में प्रमाद बरतता है अर्थात टालता है कि चलो फिर कर लेंगे, ऐसा व्यक्ति सोता हुआ दिखने पर भी वास्तव में जागा हुआ है, उसका संसार मानो समाप्त हो गया है। कहाँ धन, कहाँ मित्र और कहाँ विषय रूपी लुटेरे, कहाँ शास्त्र और कहाँ विज्ञान, जब मेरी वासनाएं ही गलकर समाप्त हो गईं, यह सारा बखेड़ा तो तब तक है जब तक इच्छा है, वासना है। जीव ईश्वर और परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जान लेने के बाद बंधन और मोक्ष के प्रति संपूर्ण रूप से निराशा का भाव हो जाने के बाद मुझे अपनी मुक्ति की भी चिंता नहीं है। जिनका अंतःकरण समस्त प्रकार के विकल्पों से शून्य हो जाता है, लेकिन जो बाहर स्वच्छंद विहार करते हैं, ऐसे लोगों को वही जानते हैं जो उन जैसे हैं। 15वां प्रकरण। अष्टावक्र जी बोले, जैसे तैसे उपदेश से सात्विक बुद्धि व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है, सत्व बुद्धि संपन्न को ज्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की आवश्यकता नहीं, जबकि जिसकी बुद्धि सत्व गुण संपन्न नहीं है, ऐसा जिज्ञासु आजीवन जीवन के विभिन्न प्रश्नों के संबंध में मोहित भ्रमित बना रहता है।
विषयों में रस नहीं है, ऐसा अनुभव कर लेना ही मोक्ष है और बंधन है। विषयों में रसात्मिका वृत्ति अर्थात बुद्धि का यह निश्चय कि विषयों से सुख प्राप्त होता है, प्राप्त होगा, यही ज्ञान है, यही यथार्थ है। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यह तत्व ज्ञान अत्यंत उद्भट वक्ता को गूंगा, बुद्धिमान को जड़ और उद्यमी को आलसी बनाता है। ऐसा मानकर भोगों की कामना करने वाले इसका तत्व ज्ञान का परित्याग कर देते हैं, इस यथार्थ ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होते, इसकी उपेक्षा करते हैं। तुम देह नहीं हो, न ही तुम्हारा देह है, न तुम कर्मों का फल भोगने वाले हो, न ही तुम कर्मों के कर्ता हो। तुम तो चैतन्य रूप हो, सदा से साक्षी हो, सबके मात्र दृष्टा हो, आँखों वाले हो, बस तुम्हें किसी की किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, इसलिए सुखपूर्वक विचरण करो। राग और द्वेष मन के धर्म हैं और यह मन तुम्हारा कभी नहीं हुआ। तुम सभी प्रकार के विकल्पों से परे बोध रूप सभी दोषों से रहित हो, इसलिए सुखपूर्वक विचरण करो। सब प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को अनुभव करता हुआ जानकर अहंकार से उन्मुख होता हुआ सभी प्रकार की ममता अर्थात मेरे तेरेपन से ऊपर उठा हुआ तू सुखी हो। संपूर्ण विश्व जिसमें स्फुरित होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे सागर में तरंगें, वह तुम ही हो, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तुम चेतन मात्र हो, इसलिए सभी प्रकार के संतापों तापों और रोगों से मुक्त हो जाओ। श्रद्धा करो सौम्य, यहाँ संसार में मोह न करो। ज्ञान स्वरूप ईश्वर वास्तव में आत्मा ही है और तुम प्रकृति से परे हो। मेरी इस बात पर जीवन के इस यथार्थ पर श्रद्धा करो, विश्वास करो। गुणों से संयुक्त लिपटा हुआ यह शरीर ही बैठता आता जाता आदि विभिन्न क्रियाएं करता है, जबकि आत्मा न जाता है न आता है, वह इस आने जाने से परे है, इसलिए उस पर क्या शोक करना, क्या विचार करना। यह शरीर युगांतरों तक रहे, चाहे आज ही नष्ट हो जाए, उसकी वृद्धि या हानि से चिन्मात्र रूप वाले तुम पर क्या अंतर पड़ता है, निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं। तुझ अनंत समुद्र में संसार रूपी लहरें सहज रूप से बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न और लय होती हैं, इससे तुझ महासमुद्र को न तो कोई लाभ होता है न किसी प्रकार की हानि, बिल्कुल वैसे ही जैसे लहरों की वृद्धि और क्षय का समुद्र पर कोई अंतर नहीं पड़ता। हे पुत्र, तुम चिन्मात्र हो, तुमसे भिन्न इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, यह तुमसे अभिन्न है, इसलिए इस संसार के पाने और छोड़ने का प्रश्न कैसे, कहां और कब अर्थात इस बारे में क्या विचार करना। एकमात्र अद्वैत स्वरूप अव्यय शांत चैतन्य रूप निर्मल शुद्ध तुझ में कहां जन्म, कैसे कर्म, कहां अहंकार, अर्थात इन सबका तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब तुम्हारा ही रूप है, तुम ही उन विभिन्न नाम रूपों में दिखाई दे रहे हो। क्या स्वर्ण में बने कंगन बाजू बंद और घुंघरू आदि भिन्न भिन्न आभूषण स्वर्ण के अलावा दिखाई दे सकते हैं, अर्थात क्या उससे अलग हैं? यह मैं हूँ, यह वह है, मैं वह नहीं हूँ, इस तरह के विभागों को छोड़कर संपूर्ण जगत आत्मा रूप ही है, ऐसा निश्चय करके सभी प्रकार के संकल्पों से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। तुम्हारे अज्ञान के परिणाम स्वरूप ही यह संसार है, वास्तव में तो तुम ही एकमात्र हो, तुमसे दूसरा न तो संसारी है अर्थात जीव और न ही किसी असंसारी अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है। यह संसार भ्रांत के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करने वाला समस्त वासनाओं से मुक्त होकर सहज कर्मों में प्रवृत्त हुआ कुछ नहीं है, इस तरह बरतता हुआ शांति को प्राप्त करता है। इस संसार रूपी समुद्र में तू अकेला ही हुआ था, है और अकेला ही रहेगा, तेरा न बंधन है न ही मुक्ति, इसलिए तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचर। हे चैतन्य रूप, तरह तरह के संकल्प विकल्पों से अपने चित्त को क्षुब्ध न करो, मन को शांत करके स्वात्मा राम में सुखपूर्वक स्थित व स्थिर हो जाओ। सब स्थानों से ध्यान का परित्याग कर मन में कुछ भी धारण मत कर, आत्मा तो सहज रूप से ही मुक्त है, तब फिर इस बारे में या फिर किसी भी बारे में
सोच विचार कर क्या करोगे, बंधन के बारे में क्या सोचना,